हाय एवरीवन, आइए आज किस वीडियो में हम क्लास टेंथ का बीबीडी गैस पेपर से रिलेटेड इतिहास का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, या इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दास कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। और ये कौन सा ईयर में पूछा गया है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता भी चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता था कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन मतलब वही उसका जनक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कब पूछा गया ये भी लिखा हुआ है, 2012 में, फिर 2023 में पूछा गया है। ठीक है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, यानी कि इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लेता है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, तो अप्रैल थीसिस के रचना किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर जर्मनी। रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था, है ना, रूस में संसद को ना ड्यूमा कहा जाता था पहले। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई था 1905 में, हुआ था 1905 में। रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है, यानी कम दल मतलब पार्टी हो गया, अल्पतम वाला दल मतलब पार्टी क्या कहलाता है, तो ये मेनशेविक कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या पिट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था, यानी कि पिट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था, तो जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस संधि के तहत यानी कि किस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, तो डच भाषी समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला समाजवादी देश था, यानी कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था, तो ये ब्रिटेन का रहने वाला था, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर भी। ठीक है, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। युद्ध और शांति, यानी कि इसी को इंग्लिश में वार एंड पीस बोलते हैं, वार मतलब युद्ध, एंड मतलब और पीस मतलब शांति, वार एवं एंड पीस पुस्तक किसने लिखा, टॉलस्टॉय ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉलस्टॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है जी, तो बी और सी दोनों, यानी कि दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी जो है पुस्तक है कार्ल मार्क्स द्वारा ही रचित पुस्तक है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स द्वारा रचना की गई पुस्तक है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी CSO। ठीक है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी नवंबर 1917 में। ठीक है, और 1917 में हुई थी, रूस की क्रांति भी 1917 में हुई थी, ये बात भी याद रखिएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था, यानी ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1867 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स। ओके, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो ये हुई थी रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1861 में। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो यह किया था
यह क्या था, ट्रोटस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रोटस्की ने, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो इसमें से कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था, इनके अलावा ये सारे यूरोपियन समाजवादी थे, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था जी, तो ये ब्रिटेन देश में हुआ था, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग देखते हैं, 7 नवंबर 1917 की बोल्सेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था लेनिन ने। लेनिन ने ब्रेस्टा लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी, तो जर्मनी राष्ट्र के साथ की थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी, तो ये लंदन में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन में। मदर उपन्यास के लेखक कौन है, गोर्की, ऑप्शन नंबर सी गोर्की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, गोर्की। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो 1827 में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1827 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया था, 1921 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1848 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हुई थी 1864 में, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 1818 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेका क्या था, तो चेका जो था ये एक पुलिस दस्ता था, चेका क्या था थी, तो एक पुलिस दस्ता था। पुतिन कौन है, रासपुतिन कौन था, रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था, ठीक है। रूस का पहला समाजवादी था कौन था जी, तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेखानोव। रूस में आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी, तो लेनिन ने की थी। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने की थी। कोल खोज की स्थापना किसने आरंभ किया था, तो स्टालिन ने। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे, तो ये थे सेंट साइमन। वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे, तो ये थे इवान तुर्कनेव, ठीक है। लास्ट पेज हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए लास्ट पेज का 3 क्वेश्चन और बच गया है इस चैप्टर का। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीकरण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समाजवादी दर्शन किस पर बल दिया था, किस पर ज़्यादा बल दिया था, आर्थिक समानता पर बल दिया था, ठीक है। तो इस तरह हमने चैप्टर 2 का हम कंप्लीट कर चुके हैं आज की इस वीडियो में। चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू।